अगर आप भी यह निर्णय कर ही लिए हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले जरूरत के चीज़ों की डिमांड इतनी तेज गति से बढ़ रही है, तो आपको किराना स्टोर जरूर ओपन करना चाहिए। हाय, हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। किराना स्टोर बिजनेस लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। सिंपली मैं बताऊं तो जब तक धरती पर मनुष्य रहेंगे तब तक यह बिजनेस चलते रहेगा। इसलिए किराना स्टोर बिजनेस आपको अपने गांव में या जिस भी रूरल स्टेट में आप रहते हैं वहां ज़रूर ओपन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए लर्निंग टारगेट के साथ, क्योंकि लर्निंग टारगेट आपके लिए लेकर आ रहा है यूनिक टिप्स। सबसे पहले हम इस बिजनेस के बारे में हर एक प्रोसेस को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और पूरी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, किराना स्टोर खोलने के लिए आपके पास खुद का एक शॉप होना चाहिए। अगर आपके पास एक शॉप है तो इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप किसी भी रूम को रेंट पर लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ खास कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, अगर आप रूम रेंट पर ले रहे हैं तो उसे एग्रीमेंट करवा के ही लेना चाहिए। जब आपके रूम रेंट का एग्रीमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां पर आप दुकान को ओपन करना चाहते हैं तो उस जगह का लोकेशन कैसा है। लोकेशन बहुत ही बड़ी अहमियत रखती है आपके इस बिजनेस पे। इसलिए आपको सबसे पहले इस बिजनेस को ओपन करने के लिए आपको लोकेशन का अच्छे तरीके से चयनित कर लेना चाहिए कि आप किस जगह पर इस बिजनेस को ओपन कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप अपने दुकान को अगर वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने दुकान में कुछ ऐसे इंटीरियर डिजाइन को भी करना चाहिए कि जिससे कि कस्टमर आकर्षित हो पाए, और फर्नीचर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता होती है जिससे कस्टमर आपके शॉप पर बार बार आने को विवश हो जाए। किराना स्टोर में अपने सामानों का रेट हाई नहीं रखना होता है जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए, और एक कस्टमर आने के बाद वह कस्टमर आपके शॉप पर लाइफ टाइम बना रहे। खास तौर पर मैं आपको बताऊं तो आज के ज़माने में जो कि डिजिटल वर्क चल रहा है तो सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, तो इससे आपको ध्यान में रखना होता है कि अपने किराना स्टोर में आप कितना इंटीरियर डिजाइन के साथ साथ आप किस लोकेशन में ओपन कर रहे हैं। साथ ही किराना स्टोर में सामान लाने के लिए आपको एक सप्लायर भी रखना होता है कि जिससे आपके शॉप पर डायरेक्ट आकर आपको पूरा सामान प्रोवाइड करा पाए। बिजनेस में आपको लंबे समय तक बने रहने के लिए आपको अपने व्यवहार पर भी काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। दुकानदार और कस्टमर के बीच में एक भावनात्मक रिलेशन भी होना चाहिए जिससे कि दुकानदार को कस्टमर के प्रति अपने बात व्यवहार का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। किराना स्टोर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरू में किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बिजनेस में आने के लिए कम उम्र के बच्चे भी इस बिजनेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वैसे तो इस बिजनेस में आपको कई ऐसी प्रोसेस का भी ध्यान रखना होता है कि अगर कोई कस्टमर आपके शॉप से क्रेडिट पर सामान लेता है तो उसे क्रेडिट पर सामान देने की आवश्यकता होती है जिससे कि आपका कस्टमर आपके शॉप पर लाइफ टाइम सामान को परचेज कर पाए। इस बिजनेस के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया तबाही के मंजर से कोरोना के कारण सब दुकानें बंद पड़ी थी और सभी दुकानों पर ताला लग गया था, तब यही किराना स्टोर बिजनेस मार्केट में अपना काम कर रही थी और लोगों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रख रही थी। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है इस बिजनेस में आने के लिए और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए इस किराना स्टोर को ओपन करके, तो आपको
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको फॉलो करते हुए आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता होती है। मार्केट में आपको इस तरह की किराना स्टोर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपको अपने दुकान को किस तरीके से डिजाइन करना है और कहाँ पर इस शॉप को ओपन करना है, इन तमाम तरह के बातों को आपको ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, जमे रहिए इस चैनल पर, क्योंकि आपका जितना तय है। अगर आप इस चैनल पर नए दोस्त हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ शेयर भी कर दे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टिप्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।